मुझे उसके घर आना जाना नहीं है। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं किसी इंसान को किसी के यहाँ आना जाना नहीं है या कोई ताल्लुकात नहीं है। और कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं मुझे किसी इंसान से बातचीत नहीं है। जैसे मुझे तुम्हारे भाई से बातचीत नहीं है, मुझे उस आदमी से बातचीत नहीं है। तो फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहां कहते हैं मेरा किसी के घर आना जाना नहीं है या मुझे किसी इंसान से बातचीत नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे। यानी जब आपको कहना हो कि आपसे किसी का बातचीत नहीं है तो आप कहेंगे नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद, और जब आपको कहना हो कि आपको किसी के घर आना जाना नहीं है तो आप कहेंगे नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स विद। कैसे, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझे। मुझे उस आदमी से बातचीत नहीं है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद दैट मैन, यानी मुझे उस आदमी से बातचीत नहीं है। मुझे आपके भाई से बातचीत नहीं है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद योर ब्रदर, मुझे अपने पड़ोसियों से बातचीत नहीं है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद माई नेबर्स। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि जब आपको कहना हो किसी इंसान से आपका बातचीत नहीं है तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप इजारम, और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो वॉच वर्ब के साथ नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद का यूज करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। बाय द वे, अगर आपको कहना हो कि आपका किसी के घर आना जाना नहीं है तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जैसे मुझे अपने पड़ोसियों के घर आना जाना नहीं है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स विद माई नेबर्स। मुझे राजू के घर आना जाना नहीं है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स विद राजू। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों एक्सप्रेशन आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो कि आपसे किसी इंसान की बातचीत नहीं होती है या बातचीत नहीं है तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, और जब आपको कहना हो कि आपको किसी के घर आना जाना नहीं है तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।